प्रदेश भाजपा के सह प्रवक्ता एवं पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि शिक्षा के मंदिर विद्यालय में दिए जा रहे संस्कारों से ही तय होता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कारों से युक्त शिक्षा देंगे तो स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण होगा और यही स्वस्थ और सजग समाज मजबूत राष्ट्र का आधार होता है। नरेंद्र अत्री आर्यन पब्लिक स्कूल हमीरपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों, अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र अत्री ने कहा कि यदि विद्यालय एवं परिवार में बच्चों को दी जा रही शिक्षा एवं संस्कारों में कमी रह जाए तो ये भारी खामियाजा आने वाले समय में समाज एवं राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। अतः शिक्षक एवं अभिभावक और अधिक जिम्मेवारी के साथ अपने कार्य में जुटे। विद्या के मंदिर विद्यालय में दी जा रही शिक्षा से तय होता है कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर किस तरह की भूमिका अदा करेंगे। यदि हम विद्यालय के अंदर संस्कार युक्त शिक्षा देंगे तो निश्चित तौर पर इसमें पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में स्वच्छ एवं सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मैं बधाई देता हूँ आर्यन पब्लिक स्कूल को, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे न केवल प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं बल्कि जिस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने देशभक्ति की भावना दिखाई है, उसे ये स्पष्ट होता है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम समर्पण की भावना इनके अंदर तैयार हो रही है। आशा करता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी और आने वाले समय में इसमें पढ़ने वाले बच्चे समाज व राष्ट्र के अंदर अपनी जिम्मेवार भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। इससे पहले स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन निदेशक राजेंद्र जसवाल, स्कूल की मुख्य अध्यापिका आशा जसवाल एवं स्थानीय लोगों ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र जसवाल ने मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया।